असलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी पांच व्हाट्सएप की ट्रिक बताऊंगा जो अपने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलो दोस्तों हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर पाँच पर हमने जिस जगह दी है वो है शॉर्टकट। जी चलो दोस्तों, आप परेशान हो रहे होंगे कि शॉर्टकट क्या है। चलो दोस्तों हम अभी दिखाते हैं शॉर्टकट क्या होता है। आइए हम मोबाइल के अंदर सेटिंग करते हैं। अच्छा तो दोस्तों मैंने कहा था कि शॉर्टकट क्या होता है, आइए हम सीखते हैं शॉर्टकट क्या होता है। किसी की भी चैट खोलते हैं हम तो मैसेज टाइप करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हाथ इतना दूर पड़ता है कि यहाँ से सेंड करने में मसले आते हैं, इसलिए अब हम एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। बैक कर दिया, इजीली सेटिंग में जाएं, सेटिंग के बाद आप चैट में जाएं, चैट में जाके आप ये इंटर सेंड कोड डिसेबल कर दें। जी आप ये इंटर सेंड को देख रहे होंगे, आप इसको इनेबल कर दें तो इससे क्या होगा, ये आप उस वही चैट खोलें, आप कुछ भी लिखें तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर हमने ऐसी ट्रिक को जगह दी है जो उसका नाम है मीडिया विजिबिलिटी। जो आप सोच रहे हो ये क्या है, ये मीडिया विजिबिलिटी वो है जो जैसे आप दोस्त हो जो बहुत सारी अपनी फोटोज वीडियोस जो हमारे लिए फालतू होती हैं वो भेज देते हैं और आपका स्टोरी भर जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे बंद कर सकते हैं और अपने स्टोरेज को बचा सकते हैं। चलिए फिर वीडियो देखते हैं। अच्छा तो दोस्तों मैंने कहा था कि मीडिया विजिबिलिटी कैसे बंद कर सकते हैं, तो हम जी सीखते हैं कि मीडिया विजिबिलिटी कैसे बंद कर सकते हैं। क्या आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके चैट में जाके मीडिया विजिबिलिटी लिखा है ना ये, तो आप इसको जाके डिसेबल कर दें। उससे क्या होगा कि जो भी आपको वीडियो फोटोज भेजेगा तो वो आपकी इजाज़त के बगैर सेव नहीं हो सका, जिसको आप इजाज़त देंगे सिर्फ वही सेव होगा। चैनल पर चलते हैं अगले ट्रिक की जाने। अच्छा तो दोस्तों तीसरे नंबर पर हमने एक ऐसी ट्रिक को जगह दी है जो उसका नाम है स्टेटस प्राइवेसी। जो आप अपने अलग अलग स्टेटस को किसी के भी छुपा सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं, तो अपनी मर्जी से किसी से भी प्राइवेसी लगा सकते हैं और किसी से भी प्राइवेसी हटा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं सेटिंग करने। अच्छा तो दोस्त मैंने बोला था कि स्टेटस प्राइवेसी क्या होती है। स्टेटस प्राइवेसी ये होती है कि आप किसी अब स्टेटस जब लगाते हैं स्टेटस प्राइवेसी में जाके आप इन तीनों में से किसी एक में जाना होता है, तो आप सिर्फ ओनली शेयर विद में जाएं और इसमें आप किसी जिसको भी चाहते हैं उस पर टिक करके आप उसको शो कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे हमने जिस ट्रिक को जगह दी है उसका नाम है स्टेट मैसेज। जी दोस्तों ये स्टेट मैसेज क्या है, जी हम आप किसी भी मैसेज को स्टार कर देते हैं तो वो स्टेट मैसेज में जाके जमा हो जाती है। चलो दोस्तों फिर वीडियो देखते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि स्टेट मैसेज क्या होता है। तो मैंने कहा था स्टेट मैसेज क्या होता है। स्टेट मैसेज ये होता है कि किसी का भी मैसेज हमें अच्छा लगा हो तो हम उसको स्टार करते हैं, क्योंकि फिर ये इससे हमारी सेव हो जाता है हमारी अलग गैलरी में। तो ये स्टार मैसेज कहाँ जाते हैं, चलें देखते हैं। हम ये तीन बटन वाले टैप करेंगे, ये स्टार मैसेज के अंदर जाएं, जाके ये रही वीडियो, ये यहाँ पे जाके सेव हो जाती है। चलें तो दोस्तों अगले ट्रिक के जाने। जी पहले नंबर पे जिस ट्रिक को हमने जगह दी है तो वो ट्रिक्स आपकी बहुत ही फायदेमंद हो सकती है कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई या किसी से बातचीत बंद है लेकिन आप उसका स्टेटस देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसको ना पता चले कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये स्टेटस प्राइवेसी कैसे करते हैं। चलो मैंने इस चीज को जगह दी है कि हम किसी का स्टेटस देखना चाहते हैं लेकिन वो उस दूसरे बंदे को परफॉर्मेंस से पता चल जाता है। तो आज मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि आप स्टेटस भी देख लेंगे लेकिन किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं जिससे हमें छुपाना पड़ता है। चलें फिर देखते हैं स्टेटस में जाके, आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके आप अकाउंट के अंदर जाएं, इसलिए आप प्राइवेसी में जाके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे रीड रेसिप लिखा होगा, आप इसको डिसेबल करते हैं। इसलिए
इसे क्या होगा कि आप स्टेटस देख लेंगे लेकिन दूसरा नहीं जानेगा कि आपने स्टेटस देख लिया है। तो चलते हैं बाकी वीडियो की जाने। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अल्लाह हाफिज़, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।